नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो कहा जाता है नाम में क्या रखा है, लेकिन इन दिनों सियासत में नाम का बड़ा महत्व है, क्योंकि विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रख लिया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री भी हमलावर हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी तरफ से लगातार इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नरेश बंसल जी जो कि राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस इंडिया को संविधान से ही हटा देना चाहिए, इस चीज को जो इंडिया लिखा जाता है उसको ही संविधान से हटा देना चाहिए। बातचीत के लिए नरेश बंसल जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। नमस्कार नरेश जी, ये मांग करना कि संविधान से ही इंडिया शब्द को हटा दिया जाए, क्यों? देखिए, मेरे जैसे लोग जो आजादी के बाद जिनका जन्म हुआ है स्वतंत्र भारत में जी, ऐसे सब मेरी बुद्धिजीवियों से चर्चा हुई है और उन सबका भी मत है कि देश को आगे बढ़ने के लिए भारतीय गौरवपूर्ण जो हमारा इतिहास है उसको लेकर चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में पंच प्रण इस बात के बताए कि इस अमृत काल के 25 वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पंच प्रण करने चाहिए, जिसमें से एक प्रण ये भी है कि देश गुलामी की मानसिकता से बाहर आए। तो उसके लिए जब से मोदी जी की सरकार आई है ऐसे अनेक काम हुए हैं, जैसे हमारा बजट पहले 28 फरवरी अंग्रेजों के समय से ही शाम को 5 बजे आता था, वो 1 फरवरी को 11 बजे सुबह आने लगा। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, प्रयागराज का नाम किया गया इलाहाबाद को बदलकर, इंडिया गेट पर गुलामी का प्रतीक जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की गई, दिल्ली के अंदर औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा गया, क्योंकि नाम भी प्रभावित करते हैं कि किस नाम पर क्या चीज है और उस इतिहास पर सीधी नजर जाती है तो हमारा उस इतिहास से क्या संबंध है ये हमको पता लगता है। तो मैंने इसलिए ये कहा है कि संविधान की धारा 1 में जो इंडिया दैट इज भारत, क्योंकि विश्व के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जिसके दो नाम हो, चाहे भाषा में किसी में लिखा जाए किसी में लिया जाए पर नाम एक ही होता है और वह भारत हमारा सनातन राष्ट्र है, हजारों वर्षों से नाम भारतवर्ष है, वह भारत ही रहना चाहिए। इंडिया दैट इज भारत जब हम कहते हैं तो इंडिया दैट इज से हमको गुलामी की मानसिकता नजर आती है। इसलिए मैंने सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह किया है कि संविधान संशोधन करके धारा 1 में इस इंडिया दैट इज को विलोपित किया जाए और ऐसा संविधान संशोधन संसद में लाया जाए। जी, अचानक से ये विचार कहां से आया कि इसे इंडिया हटा देना चाहिए? क्या विपक्ष ने जो अपने गठबंधन का नामकरण किया है, क्या प्रेरणा उससे मिली है कि अब इस इंडिया को हटा देना चाहिए? नहीं, मैं सब सांसद भी नहीं था तब से मेरा विचार था और बराबर डिस्कशन चलता था। मैं इसको जब सांसद बना तो मेरा निश्चय था कि मैं इसको किसी न किसी रूप में लाऊंगा और मैंने प्रयत्न किया। पिछले 1.5 वर्षों में तो कोरोना के कारण संसद नहीं चली और पिछले 2-3 सत्र हमारे विपक्ष के बंधुओं के कारण स्थगित होते रहे, धुल गए। आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, जब विपक्ष ने इंडिया नाम नहीं भी रखा था तब भी मैंने इस पर 0 आवर 5 या 6 बार लगाया और वो स्वीकृत भी हुआ, किंतु संसद न चलने के कारण मैं उस पर बोल नहीं पाया और मैंने फिर इसको और शॉर्ट करते हुए स्पेशल मेंशन में इसको लगाया जो स्वीकृत हुआ और मुझे कल उस पर बोलने का अवसर मिला तो मैंने अपनी भावना को रखा। ठीक है, हमारे प्रियम्बल ऑफ इंडिया में ही वी द पीपल ऑफ इंडिया इस तरह से कहा जाता है और 2 बार जिक्र आता है इंडिया का। अब क्या इसे भी चेंज करेंगे? सारी चीजें जहां जहां पर इंडिया लिखा गया है उन सबको चेंज करेंगे क्या फिर? बिल्कुल करना चाहिए। स्वतंत्र भारत में भारत हमारा गौरवशाली हजारों वर्ष का नाम है, एक ही नाम आना चाहिए। जहां जहां इंडिया है वहां उसको भारत कर देना चाहिए और इंडिया नाम पूरी तरह से विलोपित होना चाहिए। हमने तो क्विट इंडिया चलाया है तो फिर ये इंडिया यहां पर क्यों रहे?
लेकिन बीजेपी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पे ही लिखा है बीजेपी फॉर इंडिया, और ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनके नाम के पीछे इंडिया लगता है, तो कहां कहां तक इंडिया से पीछा छुड़ाइएगा? जब ये एक बार हो जाएगा तो अपने आप पीछा छूट जाएगा, इसकी चिंता मत करो। लोग उसको अपने आप भारत बोलने लगेंगे, क्योंकि भारतवर्ष सबकी जुबान पर भी है, सब भारत माता की जय भी बोलते हैं। इंडिया एक क्लास है, एक वर्ग है जो इंडिया बोलता है, इंडिया करके संबोधित करता है। अपने आप ये चीज ठीक हो जाएगी, एक बार ये संशोधन हो जाएगा। अच्छा, जो विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? मैं तो ये कहूंगा कि इस पर अगर विपक्ष के नेताओं से ही इसका अलग अलग एब्रिवेशन का अलग अलग डिटेल पूछेंगे, अलग अलग पूछेंगे तो शायद बता नहीं पाएंगे। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। और मेरी मेरी समझ से तो ये यूपीए को, चूंकि सरकार 10 वर्ष उनकी चली और 10 वर्ष विपक्ष में भी रही है, विपक्ष में रहे हैं वो, तो यूपीए को देश की जनता ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया है, रिजेक्टेड कर दिया है। और मैं देखता हूं सामान्य जीवन में भी जब कोई फर्म ब्लैकलिस्टेड हो जाती है तो वो अपना नाम बदलकर जनता के सामने आती है, अपना नाम बदलकर काम करने की कोशिश करती है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, तो विपक्ष की जो यूपीए की फर्म है वो जनता ने उसको तिरस्कृत कर दिया है, जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया है, इसलिए वो नाम बदल कर आए हैं, ब्लैकलिस्टेड फर्म की जगह दूसरी फर्म लेकर के आए हैं। और जनता सब जानती है, जनता उसको भी आने वाले चुनाव में इसका इनको कोई लाभ मिलेगा नहीं, जनता ने इनके सब कारनामे देखे हैं, इसलिए जनता सब जानती है और जनता इन सब चेहरों को बेनकाब करेगी जिसके पीछे ये छिपने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि ये जो नाम रखा गया है ये दिल से निकला है और प्रधानमंत्री इस पर गाली दे रहे हैं। नहीं, उनको हर अच्छी बात गाली नजर आती है और वो उनके ऊपर सारे जो भ्रष्टाचार के, इनके सारे सहयोगी और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केसेज हैं, उन सब से बचने के लिए आप देखेंगे सारे नेताओं में कोई जेल में हो आया, कोई जेल में है, कोई बेल पर है, सारे इस प्रकार के लोग हैं, जनता सब उसको जानती है, उससे अपनी जान बचाने के लिए एक साथ होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो भी मुझे लगता है चुनाव आने तक को इकट्ठे रह नहीं पाएंगे, बिखर जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने मुजाहिदीन, पीएफआई, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सब से तुलना की है इंडिया की, तो इस तुलना को लेकर क्या कहा जाएगा? क्या ऐसे समाज में एक आतंकी संगठन, अंग्रेजों के एक ग्रुप, क्या उससे तुलना करना इंडिया की, क्या आपको सही लगता है? देखिए, अगर इस प्रकार से करेंगे तो ये तुलना बिल्कुल सही है। मुजाहिदीन है, उनके नाम में भी इंडिया लगा है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया लगा था। और अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की भी जब स्थापना हुई 1885 में, तो एक अंग्रेज ह्यूम ने प्रेशर कुकर के रूप में कांग्रेस की स्थापना की थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका नाम रखा था। और वो कांग्रेस कई बार टूट चुकी है, कई बार कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, कांग्रेस ओ, कांग्रेस न्यू, कांग्रेस एस, पता नहीं कितने कितने नाम हो गए। तो इस प्रकार से मेरा तो अपना ही मानना है कि इंडिया शब्द जहां जहां है ये सब भारत में बदलना चाहिए। अब आप देखेंगे हमारी पार्टी का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट है, भारतीय जनता पार्टी, अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी है, हिंदी में भी भारतीय जनता पार्टी है, कन्नड़ में भी भारतीय जनता पार्टी है, मलयालम में भी भारतीय जनता पार्टी है, किसी भी भाषा में वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इस प्रकार से एक ही नाम होना चाहिए और ये जो नाम इन्होंने रखा है छद्मवेशी है, लोगों को गुमराह करने के लिए रखा नरेश जी, ऐसे लेकिन तो लोग गुमराह होंगे नहीं जी। नरेश जी, ऐसे तो बहुत सारे जो योजना है उनके नाम भी इंडिया लगा हुआ है, खेलो इंडिया, ऐसे मैं कांग्रेस के नेताओं को सुन रहा था, वो तमाम लिस्ट गिना रहे थे ऐसी स्कीम्स की, तो क्या ये भी गलत है? तो मैं कब मना कर रहा हूँ, लगा हुआ है ना, लेकिन जब ये संशोधन हो जाएगा तो अपने आप बदल जाएगा, कोई ना कोई नाम अपने आप निकल के आएंगे जो राष्ट्र को संबोधित करने वाले होंगे, राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करने वाले होंगे। अभी तो वही चल रहा है, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया जब इनका नाम रखा गया, क्योंकि जब इनका नाम रखा गया तो सरकार भी आप ही की थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
तो क्या इस बारे में सोचा नहीं गया कि इंडिया की जगह भारत रखा जाए? अब ये तो जिस समय रखा होगा उस समय क्या परिस्थिति आई होगी मैं नहीं कह सकता, मैं अपनी बात कह सकता हूं जो मेरी भावना है और देश उसके साथ है। मुझे कल से जितने लोगों के बधाई संदेश आ रहे हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों ने उसको बहुत उसकी प्रशंसा की है और लोगों ने साथ देने का काम किया है, मैं उन सबका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। विपक्ष ये कह रहा है कि इंडिया नाम रखने से हम एक कदम आगे निकल गए हैं और भारतीय जनता पार्टी एक कदम पीछे आ गई है, ये जो नेम वॉर चल रही है इसमें हम आगे हैं, क्या कहेंगे? कोई नेम वॉर नहीं है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की वार है या भारत को पुराने वाले जो 10 सालों में 5 वर्ष के 60 महीने में 72-10 लाख करोड़ के घोटाले हुए या उस ओर ले जाने की वार है, उससे बचा करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की वार है, ये अन्य मुद्दों से भटकाना चाहते हैं और ये स्वप्न में रहे कि एक कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन ये अहंकार में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सीकर की सभा में कहा भी है कि ये इतने अहंकार में हैं, अहंकार के कारण 400 से 40 रह गए और हम सेवा से संगठन और सेवा से सरकार चला रहे हैं, सेवा की भावना से चला रहे हैं, दरिद्र को नारायण मान करके चला रहे हैं, अंत्योदय का विकास करने के लिए चला रहे हैं, तो हम 2 से निकल करके आज सत्ता में बैठे हैं। हमारा अपना चरित्र है, हमारा अपना काम करने का तरीका है, हम सत्ता भोगने के लिए सत्ता में नहीं आते, हम विकास की अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति की सेवा करने के लिए सत्ता पर आते हैं, सत्ता में आते हैं। हम सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, 365 दिन 24/7 जनता की सेवा करते हैं। संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष कह रहा था लगातार कि वो आए और संसद में मणिपुर के मुद्दे पर बातचीत करें, लेकिन क्योंकि वो नहीं आए, बातचीत नहीं की, इसलिए अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, विपक्ष का अड़ियल रुख है, विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, विपक्ष चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता, नहीं तो जैसे ही डिमांड आई एवं 176 के अंतर्गत जो नोटिस आए, सरकार ने तुरंत कहा कि हम अल्पकालीन चर्चा के लिए तैयार हैं और सभापति जी ने भी उसकी अनुमति दी, समय और दिन तय करने की बात थी, लेकिन विपक्ष अपना स्टैंड बदलता रहता है, कभी कहता है कि हम ये चाहते हैं, कभी कहता है, पहले उन्होंने कहा चर्चा चाहते हैं, चर्चा की बात हो गई, फिर कहा जी 267 के अंतर्गत ही चाहते हैं, जब 176 पर एक बार पीठ ने अपने निर्देश दे दिया तो फिर उसको बदला नहीं जाना चाहिए। फिर ये कहते हैं कभी भी किसी भी विभाग के संबंध में चर्चा होती है तो विभागीय मंत्री उस चर्चा का जवाब देते हैं, ये इस पर अड़ गए कि प्रधानमंत्री जी इस पर जवाब दें, जबकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुलकर के कहा कि आप जिस प्रकार की चर्चा करो हम उसका जवाब देंगे। मैं भी विपक्ष को बराबर कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं आपके माध्यम से कि विपक्ष चर्चा में भाग ले, सकारात्मक चर्चा में भाग ले, उसके तर्कश में जितने तीर हैं वो निकाल करके लाए, हम हर तीर का सामना करेंगे, हर तीर का उत्तर देंगे, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता, क्या ये ऐसा चर्चा से भागना चाहता है? जी नरेश जी, एक सांसद होने के नाते, जनता के बीच क्योंकि आप रहते हैं, उसके नाते, एक आम इंसान होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, क्या आपको लगता है कि संसद में इसको लेकर एक दीर्घकालिक चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि कहा जा रहा है शॉर्ट टर्म चर्चा पर एग्री नहीं है विपक्ष, तो क्या ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर लंबी चर्चा होनी चाहिए और कोई कॉन्क्लूजन निकलना चाहिए? और क्योंकि 3 महीने होने को आए हैं, मणिपुर के जो हालात हैं उसको लेकर सरकार को अपनी जवाबदेही तय तो करनी ही पड़ेगी, जिन लोगों की भी जवाबदेही है उसको तय तो करना ही पड़ेगा ना, आपको नहीं लगता? सरकार, इनको ये लगता है ये केवल मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, 176 में चर्चा होगी, अल्पकालीन चर्चा होगी, हर सांसद बोलेगा, तो बताइए राजस्थान से आने वाला सांसद राजस्थान में होने वाली घटनाओं के बारे में क्यों नहीं बोलेगा? बंगाल से आने वाला सांसद बंगाल में होने वाली महिला अपमान की घटनाओं पर क्यों नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलना चाहिए। छत्तीसगढ़ से आने वाला सांसद छत्तीसगढ़ में होने वाली महिला दुष्कर्म की बातों पर क्यों नहीं बोलेगा? लेकिन विपक्ष चाहता है कि केवल मणिपुर पर चर्चा हो। जब चर्चा हो, संसद चर्चा के लिए है, देश के किसी भी भाग में कुछ होता चर्चा हो,
तो 176 में चर्चा नरेश जी, करके चर्चा इसीलिए मैंने करनी पूछा चाहिए। कि एक आम नागरिक होने के नाते, एक सांसद होने के नाते आपको क्या लगता है? मैं आम और खास दोनों को एक ही करके देख रहा हूं, क्योंकि आप सांसद भी हैं, एक अहम पद पर विराजमान हैं, और एक आम नागरिक के नाते भी मैं भी सोच रहा हूं इस चीज को कि मणिपुर पर चर्चा इस वक्त क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, मणिपुर पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, छोड़ा बिल्कुल नहीं जा सकता है, लेकिन क्या क्या ये तर्क हो सकता है, जो एक राज्य बीते 3 महीनों से, लगभग 3 महीने होने को आए हैं, जल रहा है, उस पर पहले चर्चा हो, बाद में और राज्यों में जो स्थिति है उसका भी आकलन किया जाए, जिम्मेदार ठहराया जाए वहां के लोगों को। सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि मणिपुर पर चर्चा हो जाए और कोई समाधान निकले इसका। तो 176 के अंतर्गत चर्चा होती तो मणिपुर पर होती और उसका समाधान भी निकलता, ऐसा नहीं है। सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। पहली बार देश का गृह मंत्री 3 दिन वहां स्वयं रह करके आए, मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई की है, कई लोगों को उसमें पकड़ा गया है। लेकिन इस साजिश का भी पर्दाफाश होना चाहिए कि आखिर संसद चलने वाली जिस दिन है उसी दिन वीडियो क्यों आता है, उसी दिन वीडियो कैसे आता है? नरेश बंसल जी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीडियो कब आता है, या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती है? वीडियो सामने आने के बाद ही कार्रवाई होती है, जबकि वीरेंद्र सिंह जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि ऐसे सैकड़ों मामले हुए हैं, तो कार्रवाइयां कितनों पर हुई हैं, क्या इसकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए क्या? निश्चित रूप से होनी चाहिए, जवाबदेही से कोई भाग नहीं रहा है, और उस पर कार्रवाई हो भी रही है। जो उसके दोषी है उसकी जांच भी हो रही है, जो दोषी है उनको, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, जिन्होंने किया उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये तो वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई देखने को मिली ना, सवाल नहीं, तो इसे लेकर, इसी मंशा पर, इसी नियत पर सवाल हो रहा है। वीडियो की घटना के संबंध में केवल उस घटना पर कार्रवाई हुई, लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे मणिपुर के, तो कार्रवाई हो रही है पूरे परिप्रेक्ष्य में, केवल एक घटना इस प्रकार की नहीं है। ये घटना है, शर्मनाक घटना है जी, पूरा देश शर्मसार हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने अपना दुख व्यक्त किया है उस वक्त, लेकिन चर्चा करनी चाहिए अगर मणिपुर की चिंता इनको है, बजाय बाधा डालने के। आखिर संसद चर्चा के लिए है, संसद डिबेट के लिए है, तो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या एक बार विजिट करना चाहिए मणिपुर, आप क्या सोचते हैं? वो विचार करेंगे, और जब गृह मंत्री होकर के आ रहे हैं, गृह मंत्री स्वयं उसका संज्ञान ले रहे हैं। इससे पहले तो सरकारों में नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा जलता रहा, कितने बार गृह मंत्री प्रधानमंत्री गए? मतलब उनकी शर्ट पर ज्यादा कीचड़ है तो वो ज्यादा दोषी हैं। इस वक्त के हालात पर चर्चा हो जाए, सॉल्यूशन निकल जाए, इस पर कम फोकस है, मुझे ऐसा नजर आता है। क्या नहीं, मैं नहीं, गलत सोच रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं जी, कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से और सरकार चर्चा के पक्ष में है, क्योंकि देश के अंदर कहीं भी कोई घटना होती है तो पूरा देश एक है, हम उससे शर्मसार होते हैं, 140 करोड़ लोग शर्मसार होते हैं, और ऐसी घटनाओं पर विपक्ष को अड़ा नहीं रहना चाहिए था। अगर 176 पर सरकार तैयार हो गई और पीठ ने भी उसको निर्देशित कर दिया, ठीक है, उन्होंने भांग रखी, भांग रखने को मना नहीं किया, लेकिन जब पीठ ने निर्देशित कर दिया तो उनको 176 पर चर्चा करनी चाहिए थी, बजाय 267 पर अड़ने की। आपको लग रहा है आगे चर्चा हो पाएगी, क्योंकि सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है संसद, अब क्या आगे चर्चा हो पाएगी आपको लग रहा है? ये तो विपक्ष के रवैये पर है, विपक्ष चाहेगा तो चर्चा जरूर होगी, और विपक्ष के पास अगर चर्चा में कुछ कहने को नहीं है तो वो व्यवधान ही करता रहेगा, केवल चिल्लाता रहेगा, मणिपुर 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 मणिपुर, चिल्लाने से मणिपुर का भला नहीं होगा, मणिपुर पर चर्चा होने से मणिपुर का भला होगा। तो विपक्ष को ये छोड़ करके जिद अपनी चर्चा के लिए सामने आना चाहिए। अच्छा, विपक्ष का एक डेलीगेशन अब मणिपुर जा रहा है वहां के हालातों का जायजा लेने, इससे पहले राहुल गांधी भी एक बार जा चुके हैं मणिपुर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो डेलीगेशन जा रहा है ये वहां के हालात जानने के लिए जा रहा है, तो ये कुछ रिपोर्ट लेके आएगा जो सोमवार को कहीं ना कहीं बताई जाएगी, दिखाई जाएगी, सबके सामने रखी जाएगी। चलिए, जाके आने दीजिए उनको, रिपोर्ट आने दीजिए, फिर बताएंगे। तो आपको लग रहा है कि उनका मणिपुर जाना ठीक है विपक्ष का? जो चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं, वो मणिपुर जाकर के सिवाय उसको भड़काने के, उसके बारे में नेगेटिव मैसेज देश को देने के और क्या करेंगे?
आम आदमी भी समझता है इस बात को, वो चर्चा में भाग लेते फिर वहां जाते तो समझ में आता। लेकिन विपक्ष का कहना है प्रधानमंत्री क्योंकि नहीं जा रहे हैं और ध्यान दिया नहीं जा रहा है, अमित शाह जी एक बार गए वहां पर, बावजूद इसके हालात वहां के सुधर गए हो ऐसा नहीं हुआ, तो अब हम जाकर देख रहे हैं। चलिए आने दीजिए उनको देख करके। चलिए चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश बंसल जी, आपने समय निकाला बातचीत की। हमें उम्मीद है कि मणिपुर को लेकर चर्चा होगी और एक सार्थक चर्चा होगी जिससे कोई निष्कर्ष निकलेगा और नॉर्थ ईस्ट का जो एक राज्य है जो धधक रहा है पिछले 3 महीने लगभग होने को आए हैं, वो वहाँ पर शांति बहाल होगी और देश के किसी भी राज्य में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको लेकर सार्थक चर्चा हो, हम तो यही चाहते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।